तो एक बार फिर आपका फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है हिंदी टेगमेंट चैनल में। फ्रेंड्स आज के इस प्रोग्रामिंग लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे यूजर टाइप डेटा टाइप का एंड यानी इनुमरेशन क्या होते हैं। यानी फ्रेंड्स इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर और यूनियन जो है वो हमने कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि इनुमरेशन क्या होते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स तीनों टाइप के डेटा स्ट्रक्चर मैंने जैसे कि बताया आपको बता चुका हूँ। अब हम फटाफट जाते हैं इनुमरेशन क्या है। इन्यूमिनेशन यूज टू डिफाइन सेट ऑफ कॉन्स्टेंट। यानी फ्रेंड्स इन्यूमिनेशन यानी इनम जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, इनम का यूज जो हम करते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का एक सेट बनाने के लिए यूज करते हैं। यानी फ्रेंड्स इसके लिए हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर हमें जैसे मान लीजिए अगर हमें डेज जैसे नेम है संडे मंडे ट्यूजडे वेडे तो इनका एक कलेक्शन बनाना है तो इनके हमें कलेक्शन बनाने के लिए इनम का यूज कर सकते हैं। अलग अलग वेरिएबल में हम इन्हें असाइन ना करके सिंपली हम इनम लिखेंगे और एक वेरिएबल एक ही जगह पे हम इन्हें स्टोर कर देंगे। तो फ्रेंड्स मुझसे यहाँ पर धोखे से यूनियन लिखा रह गया है। यहाँ पर यूनियन लिखा हुआ है इनम लिखा हुआ है तो इसलिए इसको इग्नोर कर दीजिएगा। इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं फ्रेंड्स, सिंपली हम लिखेंगे इनम इनम नेम। यानी कि फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल देखिए जैसे और उसके अंदर हम जो है सिंपली वैल्यू पास कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने सेमी कॉलन लगाए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने सेमी कॉलन लगाए हैं यहाँ पर सेमी कॉलन्स का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ कॉलन्स का यूज होता है। ठीक है इस बात को भी आप ध्यान रखिए। चाहता तो मैं ऐसे सही कर सकता था लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए कि एरर तो ह्यूमन से ही होती है ये तो नेचर है। तो फ्रेंड लास्ट में जब अगर आप जो एंड कर रहे हैं तो वहां पर आप कोई भी कॉमा या सेमी कोलन लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको ना मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स सिंपली हम इनम का एग्जाम्पल देख रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे इनम और ब्रैकेट लगा क्योंकि फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिक जो है इसने सेमी कोलन लगा लिया है। इसका मतलब ये है कि इसके लास्ट में सेमी कोलन जो है वो कंपलसरी है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स हम पास कर देंगे जो भी डेटा हमें कलेक्शन बनाना है डेटा का। तो हम सपोज मान के चल रहे हैं ईयर का बना रहे हैं तो हमें इनम जो हमने बनाया उसको हमें एक नेम भी देना होगा ना। तो हम इनम को नेम दे देते हैं ईयर। ओके तो इसके अंदर हम मंथ्स दे देते हैं मंथ्स क्योंकि हम मंथ्स के नेम लिखेंगे यहाँ पर मंथ्स। के बाद फ्रेंड्स हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जब सब सब लिख के चले जाएंगे। और फ्रेंड्स लास्ट वाले के आगे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। जहां पे हमें इसका एंड करना होगा उसके आगे हम कॉमा नहीं लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम इनम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। लिखेंगे इनम और लिखेंगे मंथ और इसके लिए हम बनाते हैं ए और ए को असाइन कर देते हैं फ्रेंड्स जनवरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से हमने जनवरी जो है असाइन कर दिया। स्पेलिंग मिस्टेक फ्रेंड्स यहाँ से होनी नहीं चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपसे हो जाती है तो आप क्या करें यहाँ से कॉपी करें इसे पेस्ट कर दें। स्पेलिंग मिस्टेक जो आपकी कम होगी। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर पास करेंगे इफ और इसमें लिखेंगे फ्रेंड्स इफ ए इक्वल टू बराबर है कॉपी जनवरी के तब आप प्रिंट कर दो प्रिंट एफ ईयर इज स्टार्टेड साल जो है वो हमारा शुरू हो गया। एल्स फ्रेंड्स प्रिंट कर दो आप एल्स में इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और एल्स में से हम पेस्ट कर देते हैं और लिख देंगे ईयर इज नॉट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स इसका आउटपुट जो ऑफिशियली जनवरी यही आने वाला है ईयर इज स्टार्टेड। तो इसको फ्रेंड्स हम सेव कर देते हैं डॉट सी एक्सटेंशन में सेव करेंगे और आप नेम इसे कुछ भी दे सकते हैं। मैं इनम दे देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। F9 प्रेस करूँगा फ्रेंड्स कोई एरर नहीं है फ्रेंड्स और आउटपुट जो है वो हमें पता है स्क्रीन पे क्या आने वाला है ईयर इज स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं ईयर इज स्टार्टेड जो है वो लिखा हुआ आ गया है। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे ईयर इज स्टार्टेड लेके आया तो इसको कैसे चेंज करते। तो फ्रेंड्स आप ना यहाँ पर अगर चाहें तो स्कैनर फंक्शन का यूज़ करके ए के अंदर जो है वो वैल्यू असाइन करा सकते हैं किसी भी यूजर से गेट फंक्शन गेट सी एच फंक्शन का यूज़ करके। तो फ्रेंड्स उस समय आप यूज़र से कह सकते हैं कि आप किसी भी मंथ का नेम इनपुट कीजिए। एनी फ्रेंड्स जब आप आगे किसी सेक्टर में जाएंगे प्रोग्रामिंग के तब आपको ये चीज़ ज़्यादा बेटर समझाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे आपको इनम का यूज समझाना था वो मैंने आपको समझाया। आई होप आप लोगों को फ्रेंड्स ये लेक्चर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया ना तो फ्रेंड्स आप लाइक
के बटन को क्लिक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको में कोई क्वेश्चन है, आपके पास कोई सजेशन है, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।